Hello and assalamu alaikum everyone. This is Dr. Ehsan Farooq Khan. I was actually getting a lot of comments on my videos जो कि मेरी FCPS Part 1 series की हैं. तो पहले तो इस तरह होता था कि I used to reply to every comment. But अब ये है कि since there are a lot of comments, so I just thought कि मैं आप लोगों की comments को एक वीडियो सीरीज बनाऊँ और उसमें आप लोगों के कॉमेंट्स जो हैं कुछ उनका आंसर कर सकूँ. सो लेट्स जस्ट आंसर योर क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन है मेरी पैथोलॉजी वाली टिप्स फॉर पैथोलॉजी वाली वीडियो पे, एंड दिस इज़ फ्रॉम साद अंसारी, एंड ही हैज आस्क्ड स्पेशल पैथो के लिए फर्स्ट एड इनफ है या पैथोमा भी करनी होगी. तो फर्स्ट एड इज़ इनफ फॉर स्पेशल पैथोलॉजी. पैथोमा इज़ फॉर जनरल पैथोलॉजी जनरली. हाँ, कुछ जो पैथोमा के अंदर आपकी हेमाटोलॉजी है उसके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, और अगर बाय चांस आपको हेमाटोलॉजी का ज़रा टफ क्वेश्चंस आ जाएं, जो कि बहुत कम ही होता है, यूजुअली आपको टिपिकल वही वॉन विलीब्रैंड डिजीज़ और एनीमिया से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं, तो फॉर दैट यू नो यू कैन हैव अ लुक एट इट इफ़ यू हैव टाइम. बाकी फर्स्ट एड इज़ इनफ फॉर स्पेशल पैथोलॉजी, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपके पास्ट MCQs हैं और आपके टॉपिकल जितने भी पास्ट MCQs हैं वो आप हमेशा साथ करें, बिकॉज उसके बगैर किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ फ्रॉम डॉक्टर एहसान रज़ा अगेन ऑन माई, दिस वन इज़ ऑन माई एनाटमी वीडियो पार्ट वन की जो एनाटमी प्रेपरेशन वाली थी. कैन यू प्लीज़ गाइड हाउ टू डिवाइड द डेज फॉर डिफरेंट बुक्स? I am preparing for the November attempt. Now, I don't know whether you're asking particularly for anatomy or for, you know, for all the subjects, but I would actually believe कि आपने अगर anatomy पे comment किया है तो I'll tell you about that. Well, I told कि anatomy के लिए आपको around, you know, 20 to 21 days चाहिए maximum अच्छी तरह cover करने के लिए, और divide आपने day as such जो है उसमें आपको as such यही बता सकता हूँ कि Snell's की जो clinical anatomy की Snell's review जो है of clinical anatomy वो आपने पूरी की पूरी book करनी है. उसमें जितने भी आपके portions हैं आपने कम से कम दिन आप दें अपर लिम को, उससे थोड़े से ज़्यादा दिन जो हैं आप दो एक दिन या दो दिन और दे दें लोअर लिम को. बाकी मेनली जो आपका यूनिट जो है जो आपका टाइम कंज्यूम करेगा दैट इज़ हेड एंड नेक, क्योंकि हेड एंड नेक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. उसके अंदर आपके जितने भी सारे फॉसी हैं उनकी बाउंड्रीज और क्रेनियल नर्व्स के कोर्स, इन चीज़ों पे जो है आपका टाइम लगता है. तो आई गेस इट ऑल डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन. मैं एक प्लान फॉर्मुलेट करके नहीं दे सकता. आप अपना प्लान या टाइम खुद डिवाइड करें कंसिडरिंग द फैक्ट. आई कैन जस्ट टेल कि अपर लिम्स को आप कम टाइम दें और हेड एंड नेक और थॉरेक्स एब्डोमेन पेल्विस को आप ज़्यादा टाइम दें, बिकॉज यू नो दिस इज़ द वे इट शुड बी डन. अच्छा जी, हमें नेक्स्ट, दिस इज़ फ्रॉम स्टूडियो फोगो FF. नाउ आई डोंट नो व्हाट दैट इज़, बट येस द क्वेश्चन इज़ फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सिस्टम्स. ये मुझे फिजियोलॉजी वाली वीडियो के ऊपर इन्होंने कॉमेंट किया था. तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सिस्टम एक तो मैंने वीडियो में बताए हुए, आई वुड एडवाइज़ यू ऑल जो कि अभी ये वीडियो देख रहे हैं कि आप टिप्स फॉर फिजियोलॉजी भी देख लें. बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ऐसा हो नहीं सकता कि इससे कोई क्वेश्चन ना आए. गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम GIT एंड एंडोक्रेनोलॉजी, सेल से भी शुरू में कभी कभी एक दो MCQs आ जाते हैं और कभी कभी उससे ज़्यादा भी, एंड दे कैन बी रियली यू नो कन्फ्यूजिंग एज वेल, क्योंकि वो कॉन्ट्रोवर्शियल MCQs अक्सर फिजियोलॉजी के बहुत सारे सेल के यूनिट से भी हैं, सेल फिजियोलॉजी से. बाकी एवरी यूनिट ऑफकोर्स, अगर आपने BRS फिजियोलॉजी करनी है उसको तो आपने करना ही करना है. देर आर नो टू वेज अबाउट इट, यू हैव टू डू इट. सो बी इट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और CNS और एंडोक्रेनोलॉजी और GIT, इन सारे यूनिट्स को आपने जो है इन पर ध्यान रखना है, जितने भी मेजर यूनिट्स हैं. ओके, नाउ दिस वन इज फ्रॉम मेडिकॉमा. द क्वेश्चन इज FCPS पार्ट वन में तमाम सब्जेक्ट्स होते हैं MBBS के या कोई सेलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं? वेल, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट यू नो मेन जितने आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो तो बिल्कुल हैं ही हैं. इसमें एनाटमी है, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री का कुछ पोर्शन है, आप जो हैं बाकी जितने आपके सब्जेक्ट्स आते हैं, कम्युनिटी मेडिसिन के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो बेसिक्स पे फोकस होता है FCPS पार्ट वन में. मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीड्स, गायनी ऑब्स, पीड्स, इनके ऊपर फोकस नहीं होता. फोरेंसिक के क्वेश्चंस नहीं आते, तो बेसिक साइंसेज के ऊपर फोकस होता है, विच प्राइमरली कॉन्स्टिट्यूट एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम कम्युनिटी मेडिसिन एंड बायोस्टैटिस्टिक्स.
एंड बाकी कुछ कुछ स्पेसिफिक हिस्टोलॉजी या जो ब्रांचेज ऑफ मेडिसिन ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी है उससे आ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिथ नौशीन. नाउ दिस वन इज ऑन माय एफसीपीएस पार्ट वन की जो सबसे पहली वीडियो थी उस पर शी इज आस्क्ड हाउ मेनी आवर्स यू नीड टू स्टडी. वेल दिस इज अ वेरी वेरी ट्रिकी क्वेश्चन बिकॉज आवर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हम हमेशा अपने हिसाब से करते हैं और कुछ लोग 12 घंटे पढ़ के वो चीज़ समझते हैं और कुछ लोग वही चीज़ जो है वो 3-4 घंटे में समझ लेते हैं. तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि FCPS पार्ट वन हो या आपका प्लैब हो या जितने भी एग्जामिनेशन मैंने जितने एग्जाम्स मैंने दिए हैं उनके बारे में बात कर सकता हूँ. विच आई लर्नड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. आई ऑल्सो इनिशियली यूज टू बिलीव इन द रट्टा सिस्टम एंड जो आपकी रोट लर्निंग ट्रेडिशनल सिस्टम है उसका फ़ायदा तो आपको होता ही है क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ का रट्टा मार लिया है तो वो आपकी मेमोरी में एक तरह से वो रट्टा तो रहता है लेकिन कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी चाहिए और आपको स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए. इसके अंदर यह है कि आपने अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस करना है. मैंने टिप्स फॉर फेलियर्स के लिए एक वीडियो बनाई थी स्पेसिफिक, उसकी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा. उसमें मैंने काफ़ी सारी टिप्स दी हैं कि कितने आवर्स स्टडी करना है और जितने आवर्स आपने स्टडी करना है उसमें प्रोडक्टिव जो है आवर्स वो कितने हैं और कितने आप किस तरीके से आपने लेके चलना है. सो प्लीज़ डू हैव अ लुक एट इट एंड आई होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू एज वेल. बेस्ट टाइम दिस वन इज़ फ्रॉम यमुना अजीज़ एंड शी इज़ आस्क्ड मी बेस्ट टाइम टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर FCPS पार्ट वन इज़ इट स्टार्टिंग ऑफ हाउस जॉब. And another question, how many months of house job is necessary for FCPS part 1? Well, a whole 1 year house job is necessary for to prepare for part 1. And starting of house job ke upar to main bilkul bhi recommend nahi karunga. Agar aapne ek achhi house job karni hai, to usme aap apne aap ko wholly aur solely devote karein. अपनी हाउस जॉब जो आपका काम है उसकी तरफ अपने आप को डिवोट करें. वंस यू आर डन विद योर हाउस जॉब तो उस वक्त आप उसके बाद स्टार्ट करें FCPS पार्ट वन की तैयारी. या फिर इफ़ यू वांट टू यू नो सेव टाइम एंड यू वांट टू स्टार्ट अर्ली तो आप अपनी जो लास्ट रोटेशन है वो आप ज़रा रिलैक्स रख लें. जो आपकी एलाइड की रोटेशन होती है चाहे वो आपकी मेडिकल एलाइड मेडिसिन एलाइड की रोटेशन हो या आपकी सर्जिकल एलाइड की रोटेशन हो वो आप लाइट रख लें ताकि आप उसके अंदर पढ़ सकें. और आपकी कॉल्स जो हैं अव्वल तो ना हो तो फिर तो बेहतरीन है लेकिन अगर आपकी कॉल्स हैं तो वो 12 आवर्स की हों या जितनी भी हैं उसमें आप उस चीज़ को स्टडी कर सकें. तो यू नो दिस इज़ यू शुड स्टार्ट आफ्टर हाउस जॉब और बाय द एंड ऑफ द हाउस जॉब. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम फरा मलिक एंड शी इज़ आस्क्ड मी प्लीज़ गाइड हाउ टू रिपीट इन द लास्ट 20 डेज फॉर मेडिसिन एंड अलाइड. I applied for September attempt. Okay, so last 20 days के अंदर तो I would actually advise you कि आप सिर्फ और सिर्फ MCQs पे ही focus करें. जितने ज़्यादा आप MCQs कर सकते हैं अगर आप टेक्स्ट बुक्स के ऊपर चले जाएंगे तो that is going to consume a lot of time. आप MCQ बुक्स पढ़ें, मेडिकॉल हो गई या फिर SK लास्ट रिविजन नोट्स जो हैं उनको एक दफ़ा अच्छी तरह कर लें या फिर रेडिएट नोट्स बाय रफ़ीउल्लाह जो भी आपकी सारी प्रेपरेटरी बुक्स हैं फॉर स्पेसिफिकली फॉर FCPS पार्ट वन आप वो कर लें तो यू नो दे आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. लास्ट 20 डेज़ के अंदर तो आप टेक्स्ट को बिल्कुल नहीं फोकस करेंगे. आप बिल्कुल आप मेनली जिन चीज़ों पर फोकस करेंगे दैट इज़ यू नो जस्ट MCQs. I'll be back with another video very soon जिसमें मैं आपकी queries के बारे में answer करूँगा because there are a lot of them. So I'll be answering your queries. Just stay tuned to my channel, subscribe to this channel. I will be back with another video very soon. Till then, take very good care of yourselves.